सदर थाना पुलिस ने अजमेर जिले के कुख्यात तथा सदर थाने के हार्डकोर बदमाश लस्ताने निवासी मोखम सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मोखम सिंह को अजमेर स्थित आनासागर झील के पास झाड़ियों से गिरफ्तार किया है। इस दौरान उसने दीवार फांदकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों की मुस्तैदी के कारण वह सफल नहीं हो पाया। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के अनुसार थाना ब्यावस पर दर्ज प्रकरणों में वांछित कुख्यात बदमाश मोखम सिंह, जिसके विरुद्ध गंभीर अपराधों के संबंध में 61 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जो लोगों को डरा धमकाकर एवं जान से मारने की धमकियां देकर रुपयों की अवैध मांग करता है तथा आमजन में भय व्याप्त कर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना चाहता था। इसी काम में कम मोखम सिंह ने उदयपुर रोड चुंगी नाका निवासी पीड़िता व खरवा रानी सागर निवासी जसवीर सिंह से अवैध रुपयों की मांग की। वे नहीं देने पर जान से मारने की धमकियां दी, जिसके संबंध में थाना ब्यावस स्तर पर प्रकरण दर्ज किए गए थे। एसपी जाट के अनुसार घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिला अजमेर वैभव शर्मा के सुपरविजन में वृत्ताधिकारी वृत्त मसूदा ईश्वर सिंह के नेतृत्व में थानाधिकारी ब्यावस दर चलाराम बेड़ा निर्देशन में कुख्यात आरोपी के संबंध में आसूचना संकलन व गिरफ्तारी हेतु जिला साइबर सेल से कांस्टेबल प्रवीण चौधरी व थाना ब्यावर सदर से टीम का गठन किया गया। एसपी अजमेर के निर्देश पर गठित टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु कार्यवाही शुरू की। कार्यवाही के दौरान गुरुवार देर रात साइबर सेल के कांस्टेबल प्रवीण चौधरी को सूचना मिली कि मोखम सिंह अजमेर में आनासागर के आसपास है, जिस पर थाना ब्यावर सदर से कांस्टेबल राजू राम मनोहर व प्रवीण चौधरी थानाधिकारी ब्यावर सदर के निर्देशानुसार अजमेर रवाना हुए और अजमेर पहुंचकर आनासागर चौकी पर पदस्थापित कांस्टेबल जगदीश चौधरी को साथ लेकर मुखबिर इत्तला अनुसार बताई गई जगह मित्तल अस्पताल से चौपाटी के आसपास तलाश की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम को देखकर दीवार फांदकर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम के सक्रिय सदस्यों ने सजगता व कुशलता से आरोपी का पीछा किया व थानागंज की पुलिस टीम की सहायता से आनासागर झील के पास झाड़ियों से पकड़ने में कामयाबी हासिल की। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर के अनुसार कुख्यात आरोपी मोखम सिंह बड़ा ही शातिर व चालाक किस्म का है, जो लगातार पुलिस को चकमा देकर भागने में माहिर है। पूर्व में आरोपी भीम ब्यावर व अजमेर जेल से फरार हो चुका है। आरोपी पुलिस की कार्यप्रणाली से पूर्ण रूप से जानकार होने के कारण वह लगातार पुलिस को चकमा देकर छकाता रहा। पुलिस टीम के सामने उक्त आरोपी को पकड़ना एक बड़ी चुनौती था। इस चुनौती को पुलिस टीम ने स्वीकार करते हुए लगातार आरोपी के पूर्व की गतिविधियों की जानकारी एकत्र की, आरोपी के सहयोगियों से पूछताछ कर तथ्य जुटाने व आरोपी की दिनचर्या के संबंध में अधिकतम जानकारी प्राप्त की, तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया तथा अलग अलग स्थानों पर पुलिस टीम सादा वस्त्रों में वे हुलिया बदल कर दिन रात निगरानी कर संदिग्ध ठिकानों को चिन्हित किया। तब कहीं जाकर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। सदर थाना अधिकारी चलाराम बेड़ा के अनुसार गिरफ्तार आरोपी ने सदर थाने सहित जिले के अन्य थानों में दर्ज प्रकरणों को लेकर कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। मोखम सिंह को गिरफ्तार करने वाली टीम में सुखपाल चौधरी, हरेंद्र चौधरी, आजाद सिंह, राजकुमार, राजेंद्र सिंह, अजीत सिंह, प्रेम सिंह, सुभाष, नंदकिशोर, शंभूराम तथा सुशील सहित अन्य आरोप शामिल थे। देर शाम को सदर थाना पुलिस ने आरोपी मोखम सिंह को न्यायालय में पेश किया, जहां पर न्यायाधीश ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।